आपको पता चल रहा है कि ऐसे नहीं होती जद्दोजहद क्या भाई साहब? देखिए सुनिए, दूसरा फॉर्म किसका, इसको क्यों लिख रहे हो फिर? अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा फॉर्म एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, या फिर इसी को बोल सकते हैं एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या? तो यह हाइपरबोला के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट का काम करते हैं क्या? समझ रहे हो बात को? तो यह वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस काय का काम करेंगे, और चूंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस एंगल पर होते हैं तो एसिम्प्टोट 90 पे चले गए, इसलिए इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, क्या सी कोमा सी इसको सेटिस्फाई करेगा? इसलिए यह सी कोमा सी से गुजरता है। क्या माइनस सी कोमा माइनस सी से भी जाएगा? क्या यह क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? के हो सकती है रे बाबा, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो अब की बार पैराबोला कहां से गुजरेगा? नहीं समझे? अरे यस, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखो भाई साहब जल्दी फटाफट। तुम लोग आज वैसे ही गर्मी का दिन और तुम स्वेटर पहनकर आ गए, कॉटन के कुर्ते पजामे पहनना चाहिए, अंग्रेजों की नकल में सूट कोट ये सब बनवा लेते हो तुम लोग। अरे कहीं पर भी हो तुम बाहर टांगो, हाँ रखे रहें दोस्त। क्या हो गया दीदी? अरे पढ़ाई लिखाई करो यार भैया, थोड़ी बहुत आज की मेहनत आगे का बड़ा सुख रहेगा। मिटा दूं भाई? अरे चाय भाई तो पिलवा दो यार। अनिल तुम्हें नहीं मुझे, बिस्कुट कौन खाता तुम्हें मालूम? मैं नहीं खाता। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे यस, सुनो बच्चा जरा ध्यान से देखो, क्या इसे मिटा दिया जाए? अब आपने ये चीज लिख ली क्या, दोनों मिटा दूं क्या? अब अपन आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप चिर परिचित थे, मतलब हल्का हल्का सब कुछ पुराना याद आ रहा था कि भाई साहब जरा ध्यान से देखो, सुनो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ध्यान से सुनना, यह आपने पढ़ा है मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a यदि पॉजिटिव है, याद आया कुछ, और d भी क्या है, a पॉजिटिव d जीरो, a पॉजिटिव d नेगेटिव। यस, ध्यान से सुनना, यह आपकी एक्स एक्सिस, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब टू डिफरेंट रियल रूट्स, एक का नाम अल्फा एक का नाम, यहां एक्स एक्सिस। और जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूं तो कुछ डायलॉग मार के पढ़ाता हूं। अरे यस, तो अभी इसको मैंने
यूं ही स्पीड में निकाल दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये, ठीक, हमें इसका मिनिमा या सुनना, अरे मत ही तो लिखो दीदी, क्यों लिखे जा रहे हो भाई, इधर देखिएगा, ए नेगेटिव मगर डी जीरो, डी ए भी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव, जाओ ना पीछे कहीं जगह हो तो, इधर देखो मैं करवाता हूं, इधर आ जाओ, यहां बाहर से काली कुर्सी ले, इधर बैठ जा, सुनो, पैराबोला का मुंह कहां, और चूंकि डी पॉजिटिव है इसलिए अल्फा बीटा अलग अलग, यहां, अरे यस, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और यहां इमेजिनरी रूट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, एक खास चीज, हमें मैक्सिमा या मिनिमा, इन दोनों छहों मामले में मैक्सिमा या मिनिमा जो बोलो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या मिलती है हमेशा एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू पर, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अपॉन टू, यानी क्या माइनस बी अपॉन टू ए पर। ग्राफ बनाने में यह बहुत काम का हो जाता है, जल्दी फटाफट करिए। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, उसमें भी तो मिनिमा हमने वहीं ढूंढा था, माइनस वन और माइनस थ्री के बीच में क्या था, तो जिनका ये गड़बड़ हो गया था उनका गलती कहलाएगा, इसलिए जल्दी फटाफट करिए। अरे भाई साहब बातें मत करो यार, बातें मत करो, मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और डायरेक्ट हाई लेवल पे चालू हो जाता तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता, मगर बाकी लोग इतने टेंशन में आ जाते कि अभी जाके मैथ्स छोड़ देते, कुछ और सब्जेक्ट ले लेते। ये कुछ बच्चे जो लेट आए ना, वो जितने बजे आए थे लगभग वो टाइम अपनी कॉपी में ऊपर नोट डाल दो, उससे क्या होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो देखने में तुमको सही समझ में आएगा कि कितनी देर और देखनी है। चलो मिटा दिया जाए भाई इसको। हाँ मैंने बोला ना सवा दो, एक ही ग्राफ में, एक ही, आप y बराबर x, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर, सॉरी सॉरी, y बराबर x है तो यहां पर y बराबर 3 और y बराबर x की पावर 5, और अच्छा खासा बड़ा पेज रखना जिससे कि तुम जूम करके सही ढंग से एक्सप्लेन कर सको, यहां से हर चीज नई हो जाएगी। एक ही ग्राफ के कागज पर इन तीनों को बनाना है तो लगभग कॉपी साइज पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना डालो और कोशिश करो कि तुमसे सही बने। तीनों ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने वाले हैं। मधम है, बातें न करें, मेरे दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अरे जल्दी कर घुगड़ू, तूने नालायक एक्स वाई एक्सिस को इस तरफ दीवार की तरफ क्यों सरका दी, सेंटर पे बनाना चाहिए ना एक्स एक्सिस सेंटर पे वाई एक्सिस। मेरी बात सुनो, क्या ये तीनों ओरिजिन से गुजरेंगे, उसके बाद क्या ये लोग 1-1 से भी गुजरेंगे, उसके बाद ये तीनों -1-1 से भी गुजरेंगे। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं आए, नवा कालीन माधम है,
यस। अब जरा एक बात सोचो, 1/2। अरे सुनो ना, धड़कन कुछ कहना चाहे, सुनो 1/2 रखने पर 1/2 मिला, इसलिए यह हो गया सीधा। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, उसमें 0 रखने पे 0 मिलता है, पाई बाई 2 रखने पर 1 मिलता है, मिलेगा? बड़े ध्यान से सुनना। तो यहां पर इसका हाफ किया तो पाई बाई 4। कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी सी जद्दोजहद ज्यादा होगी, वो छोटा गेट खोल दो, आइए बोर्ड पे देखेगा, बातें न करें। सुनना, पाई बाई 4 पर साइन एक्स हमें क्या देता है? 1/√2 उसका स्क्वायर, 1/2 यानी कि लगभग मिड पॉइंट ही हुआ ना, एग्जैक्ट बल्कि मिड पॉइंट हुआ, इधर इसका मिड पॉइंट, इधर इसका मिड पॉइंट। तो मेरा मानना है कि यह हुई स्ट्रेट लाइन, और सचमुच स्ट्रेट लाइन जैसा ही कर्व बनता है, अभी 12th में इंटीग्रेशन में पढ़ा चुका हूं, 0 से पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हमको एरिया शो करता है। और मैंने कहा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू, और सभी बच्चे आंसर भी निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, यदि हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स भी हमको 0 पे 0 देता है, पाई बाई 2 पे 1 देता है, मगर ये कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह गया। हाँ, ये नुकीला नहीं होता, स्मूथ होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो नुकीला तो हो ही नहीं सकता, नुकीले फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। अरे यस, यहां देखिएगा, अब इसमें पाई बाई 4 रखने पर हमें साइन क्या देगा? 1/√2। 1/√2 यानी 0.707, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, 0.707, तो इसने ऊपर से दिया, इसलिए ये ऐसा उभरा हुआ जाता है। कई दो पॉइंट के बीच में टेंशन होता है कि हम ऐसे उभरा हुआ ले जाएं कि नीचे से धसा हुआ ले जाएं। तो साइन क्यूब के बारे में सोचो, तो ये भी 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, मगर पाई बाई 4 या इसकी पावर 4 कर देते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पाई बाई 4 मतलब 1/√2, 1/√2 की पावर 4, 1/4 54, 58 की भी आधी यहां से, तो ये ग्राफ कुछ धसा हुआ जाएगा। तो ग्राफ कॉनकेव है कि कॉनवेक्स है, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लगा के चेक नहीं करना, हम यही बता सकते हैं। 1/2 का क्यूब 1/8, 1/8 मतलब 1 रुपए के 8 टुकड़े, 12.5 पैसे, और 1/2 की पावर 5, 1/32, 1 रुपए के 32 टुकड़े, बहुत छोटा हो गया। तो इसका मतलब 1/5 थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, सॉरी ये वाला एक्स क्यूब वाला यहां थोड़ा सा ऊपर से जाएगा और इधर नीचे हो जाएगा। और अब रंगीन पेनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपने पास है नहीं, छोड़ो, यहां देखो, गेट बंद करो, सुनो, ये वाला ऐसा नीचे से जाएगा,
मगर इधर ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वन के बाद मान लो टू है, तो टू पे तो ये तो क्या दे देता है, टू दे देता है, तो टू का क्यूब क्या होगा, इसने आठ दिया, और ये जब और आगे जाएगा तो टू का पावर पांच 32, यानी कि ये जैसे तीन ग्राफ है तो उसमें जिसकी पावर कम है वो कहां है, ऊपर, जिसकी पावर ज्यादा है वो कहां है, किस इलाके में, जीरो से वन इलाके में। जबकि जबकि वन के बाद क्या हो जाता है, जिसकी पावर ज्यादा है वो ऊपर। तो मेरी बात सुनो, पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी, यह स्टेटमेंट सच है कि गलत है, अधूरी सच है क्या? यदि वैल्यू वन से ज्यादा है क्या, तो पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू वन से छोटी है तो पावर बढ़ाने से कम होगी। इसमें मैं एक बढ़िया एग्जांपल बोलता हूं, आग और हवा की दोस्ती है कि दुश्मनी है। हवा से मेरा है मतलब बहती हुई हवा, नहीं तो तुम ऑक्सीजन बोल दो। दोस्ती है कि दुश्मनी है? यदि तुम बोलते हो दोस्ती है, तो भाई साहब ये पंखा चल रहा है नीचे, तुम मोमबत्ती चालू करके दिखाओ। कौन बोल रहा है, ज्ञानी? गुड, इनने वीडियो वीडियो देख ली शायद है। तो सुनिए, जंगल में आग लगी है और हवा चल जाए और बढ़ेगी, यानी कि पावर ऑलरेडी पावरफुल लोगों को और तरक्की पे ले जाती है, और पावर कमजोर लोगों को निपटा देती है। तो खुदा यदि तुम्हें धन दौलत की ताकत नहीं दे रहा है, इसका मतलब समझ जाओ तुम बेवकूफों की लिस्ट में हो। यदि तुम्हारे पास धन दौलत की पावर आ गई तो तुम नस्ते नाबूत हो जाओगे, इसलिए वो न देके तुम पे कृपा कर रहा। आई समझ में बात? हाँ, तुम्हारे पास धन दौलत आई और तुमने कहा हट, कौन जाए सुहाग की क्लास में, चलो वीडियो गेम खेलने, चलो D10 में। D10 नहीं जानते? DB मॉल में सबसे टॉप फ्लोर पे। अरे यस, और सारी प्रकार की पार्टी और एंजॉयमेंट चालू। तो तुम्हारे पास पैसे नाम की पावर तो रहेगी, सेल्फ पावर सारी खत्म हो जाएगी। अरे यस आर नो? तो आइए हुजूर, यहां पर भी इसको बनाया अपन ने, और दूसरा वाला कौन सा जो दिख ही नहीं रहा, एक्चुअली दूसरे कलर की चाहत में बना दिया अपन ने, उत्तरी। इसका नाम है पावर पांच, इसका नाम तीन, इसका नाम। तो कहने का मतलब यह है कि जीरो से वन के इलाके में क्या, जीरो से वन के इलाके में जब जब पावर बढ़ेगी वो वाई एक्सिस से दूर होगा, और वन के बाद के इलाके में जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वो वाई के नजदीक, मतलब ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता, इस वन को तो क्रॉस ही नहीं कर सकता, वन पे जो खड़ी लकीर है, यूं थोड़ी हो जाएगा मुड़मुड़ा के, ठीक है ना। तो असल में अपनी ग्राफ की क्लास यहां से चालू हो रही है, ठीक। वो बात सब कुछ लिखने के बाद, इस ये आपने पहले ही बना लिया होगा, कितनों का खुदा की कसम सही गया। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं पाए, लिखो साहब लिखो, छापे नहीं समझदारी पूर्वक लिखे। हवा का नीमा दम है, समय की चाल ही कम,
चलो, ये वाला जो कलर है वो एक्चुअली ये वाला कलर है, ये आप बना चुके हैं, क्या इसे मिटा दूं? आइए देखिए, सुनो ध्यान से, अपनी अपनी कॉपी में फिर कोरे पेज पर जूम करके ये तीन ग्राफ बनाएं, किसी और पेज पर ये ग्राफ बनाएं, जल्दी फटाफट। फिर से सेंटर पर एक्स एक्सिस, सेंटर पर वाई एक्सिस, बड़े से बड़े साइज में पॉसिबल ये तीन बनाएं, जल्दी फटाफट, बातें न करें, ये तीन ग्राफ बनाएं। जो लोग इनवर्स फंक्शन जानते हैं वो बड़ी आसानी से समझ गए हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है। यस, कैसे? तो सुनो, इसमें x की जगह 2 रखने पर क्या मिलता है? 8। इसमें 8 रखने पर क्या मिलेगा? 2। इसका मतलब इसका इनपुट इसका आउटपुट बन गया और उसका आउटपुट, यस, इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या? इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन रोटेट कहां से कहां मारते हैं? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रोटेट होते हैं। यानी कि यदि आपके पास ये जैसे कागज है और आपने करा कि, सुनना बड़े ध्यान से, यह y इज इक्वल टू एक्स लोड रोटेट लाइन, इसके अबाउट हमारा ग्राफ रोटेट करेगा। और ध्यान से सुनना, ये मैंने कागज में बनाया ऐसा और ऐसा, यस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हाथ में आर पार वाली पन्नी रहती थी, उससे मैं करके दिखाता था, और अभी मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो मैंने ये कागज उठा लिया। ठीक है, इस कागज को y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अंतिम बिंदुओं से पकड़ना है, इस कागज के कॉर्नर से नहीं पकड़ना है। कहां से पकड़ना है? जहां y इज इक्वल टू एक्स लाइन खत्म हुई है, वहां से इसको पकड़ने का, और हाथ को नहीं हिलाने का, ऐसे ऐसे नहीं करने का। हम आराम से बैठे हैं और हमने एक इशारा किया और दुनिया इधर की उधर हो जाए, यस। तो हम बस यूं ही इसको पकड़ के रखेंगे और ये मान लो पूरा का पूरा क्या हो गया? रोटेट हो गया। तो रोटेट होने के बाद ट्यूबलाइट की रोशनी में जो आपको दिख रहा है वो बना ये वाला ग्राफ। क्या आई समझ में बात? आप एकदम अपने शुभ हाथों से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो जो सस्ते वाले कागज हैं, पतले वाले, उन कागज पर आप पहले ये वाला एक ग्राफ बनाएं कोई सा, उसको रोशनी में देखें और रोटेट कर दें, तो आपको ये वाले ग्राफ मिलते जाएंगे। जल्दी बनाएं। ले, बहुत काम आते हैं भैया कंसेप्ट मेरे, ये क्यों कोई बैठा बैठा, जल्दी फटाफट बनाएं। जल्दी फटाफट तीनों ग्राफ बनाएं। तो भाई साहब, क्या कहता है दिल? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट तो हमें हमारे कागज को रोटेट करना था, तो y इज इक्वल टू एक्स का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, तो वो तो सेम बन गई। अब ये जो डॉटेड है, वो जो यों गई है, वो अब
ऐसे चली जाएगी क्या? इसका नाम x की पावर, अरे यस भाई साहब, x की पावर 1/3, और जो x की पावर 5 है भाई साहब, ऐसा तुम इसको हॉरिजॉन्टल से तो मुंह नीचे मत कर देना, वो तो एकदम सरासर झूठ हो जाएगा। x की पावर 1/5, जल्दी करें। अरे यस भाई साहब, इसको मिटा दिया जाए। मैंने कुछ कहना चाहूं नहीं, अगला टास्क, पावर 1, 2, 4 एक ही ग्राफ पेपर पे बनाए, और एक और इसके साथ ले लीजिए y इज इक्वल टू मॉड x भी ले लीजिए, चार बनाइए। कुछ कहना चाहो, बोलो साहब, बोलो बोलो बोलो, अब की बार क्या हुआ होगा देखिएगा। यही लाइन सीधी आ जाए तो y इज इक्वल टू x, ये ऐसा वी शेप हो जाए तो ये उसका कौन सा हिस्सा, नेगेटिव वाला, ये सीधी जाती तो y बराबर माइनस x। हुजूर जब पावर कम है तो झालर थोड़ी सी कम और ऐसे पावर और बढ़ेगी, देखते रहिएगा। यस, पावर और बढ़ी तो इसका नाम x की पावर 4, x की पावर 2 और x की पावर 1, एकदम सही गया तो हाथ उठाओ, लख लख बधाइयां। अगला कर दीजिए, इन तीनों का भी इनवर्स, आप चाहो तो कागज रोटेशन सिस्टम यूज कर सकते हो। जल्दी करें, बातें न करें। सुनिए साहब, देखिएगा जरा ध्यान से, कसम खुदा की कितने लोगों ने नीचे नहीं बनाया। सिर्फ इतना बनाया वो हाथ उठाएं। अरे ट्विस्ट तो होता है साहब जिंदगी में, क्योंकि तुमने कागज उठाया, रोटेट किया और बना डाला। नीचे क्यों नहीं बनेगा, हाथ नीचे करो बताओ। रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं आएगी, धरती के बोझ, ऐसा होता तो वो इधर बनता। एक्चुअली इसके बाहर चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, माइनस होता तो। तो अब अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x की पावर 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस x की पावर 1/4 बनाए, उसमें सिर्फ कौन से बनेंगे। अच्छा, लेफ्ट और राइट की तो बात तब आती है कि जब हम x की जगह नेगेटिव रख पा रहे हैं कि नहीं। जिनका गलत गया वो पूरा काटेंगे, सिर्फ नीचे का नहीं काटेंगे। चेहरे से हाथ ना है। बोलो सब, इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस x लिखना चाहिए था, तो इसका नाम 1 और ये माइनस 1, तो ये डॉटेड यू गया, तो माइनस x की पावर 1/2
ये डार्क वाला भेजा अपन ने, तो माइनस एक्स की पावर 1/4, एकदम स्पष्ट बात अपनी कॉपी में लिखें। यस बच्चा, इतना ठीक है? आओ कुछ गेम खेलते हैं, आइए। अरे बात मत करो भैया, इधर देखना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/2, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/4। आओ मैदान में, इमेजिनरी एक्सिस बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मानस। क्या नाम पूरा, क्या नाम है इसका? मानस डीप विश्वकर्मा, ये गहरे विश्वकर्मा है, डीप विश्वकर्मा। अकॉर्डिंग टू शुक्ला जी इट इज नॉट पॉसिबल। कितने लोग कह रहे हैं नॉट पॉसिबल? पहला पॉसिबल, बाकी दो नॉट पॉसिबल, कितने लोग हैं हाथ उठाएं? बातें नहीं करनी, हाथ उठाना है ना, हाथों में जवान नहीं लगी, हाथ नीचे करो। कितने लोग बोल रहे हैं पॉसिबल है और वो बना देंगे? ये देखो कुछ लोग होते हैं, उल्टी धारा चीर के बहता था वो, क्या करके दिखा दो जो कर सकते हैं। उल्टी धारा चीर के तैरता था वो, बहता थोड़ी, बहता तो वो होता है जिसको पानी अपने साथ ले जाए। करके दिखा दो जल्दी फटाफट। हाँ, अब इसके होल बाहर भी माइनस लगा लगा के कर दो। भाई साहब ये माइनस एक्स की पावर हाफ है, तो मैं एक्स की जगह चार नहीं रख सकता, माइनस चार का रूट नहीं निकलता, मगर मैं एक्स की जगह माइनस चार ही रख दूं तो माइनस माइनस और फिर रूट निकलेगा। तो ये होता है हड़बड़ी में जवाब देने का नुकसान। अच्छा एक खास चीज ध्यान से सुनो, ये तीनों को मैं जब इधर करवा रहा हूं तुमसे, तो एक्चुअली मैंने रिप्लेसमेंट क्या करवाया? अरे सुनो यार, अब आ गया ग्राफ। क्या सुनो ना, ये तीनों ग्राफ में रिप्लेसमेंट क्या कर रहे हैं? एक्स की जगह। तो आप लोगों ने ही जवाब दिया था, x की जगह माइनस एक्स करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? रोटेट होती है कौन? y एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है, यानी कि ये यूं हो जाएगा। कैसे? देखिए ये y बराबर माइनस एक्स लाइन तो यूं जाती है, दुनिया जानती है। अब यहां पर भैया 1 रखने पर क्या मिल रहा था? 1। अब दरअसल मजबूरी हमको यहां क्या रखना पड़ेगा, तभी तो वो क्या होगा, प्लस 1, और फिर उसका रूट निकलेगा। तो वो जो चीजें यूं भाग रही थी, अब वो चीजें कितने लोगों ने पहली बार में ही सही बना दिया था बिना कंफ्यूजन के? अच्छे से हाथ उठाओ जरा मैं देख लूं। बहन बेटियों में एक अकेली मोर्चा संभाले। लिखो जल्दी फटाफट,
इस बार तो मैं कहता हूं कि रंगोली जो आपके घर के बाहर बने और मेहंदी जो बहन बेटियों के हाथ लगे उसमें भी ग्राफ बने क्या? जल्दी करो जल्दी करो। अरे यस भाई साहब, सुनो बच्चा, अब यहां देखो, इन दोनों में देखो क्या हुआ था, इन दोनों में देखना क्या हुआ था। यह ओवरऑल बाहर क्या लगाया था, ओवरऑल बाहर मतलब ये जो चीजें थी उसके ओवरऑल बाहर मैंने क्या लगा दिया था, माइनस, तो क्या हुआ था, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन। अब ये समझ में नहीं आएगा कि यार ओवरऑल माइनस लगाने से एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है और एक्स की जगह माइनस एक्स लगाने पे वाई एक्सिस पे रोटेट होता है। समझते हैं, इस माइनस को सामने ले आओ तो इसका नाम क्या हो गया, ऐसा, इस माइनस को सामने ले आओ तो ये क्या हो गया, और इस वाले माइनस को यहां ले आओ, तो समझ में आया कुछ। एक्चुअली हमने ओवरऑल बाहर माइनस नहीं लगाया था, हमने क्या किया था, वाई को रिप्लेस किया था माइनस वाई से, क्या वाई को रिप्लेस किया था कैसे, माइनस वाई से, तो ऐसा रोटेशन हुआ। एक्स को रिप्लेस किया कैसे, माइनस एक्स से, तो ऐसा रोटेशन हुआ, ये रहा। तो अब इसको स्टेटमेंट बना के कॉपी में जाने दो, क्या कि y को रिप्लेस करें माइनस y से तो रोटेशन अबाउट x एक्सिस। y को रिप्लेस करें माइनस y से तो रोटेशन अबाउट x एक्सिस। दूसरी लाइन में साफ साफ लिखना, x को रिप्लेस करें, को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, अगली लाइन में लिखना है तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। नहीं लिख रही है तू, लिख लिया, तीसरा क्या होना चाहिए, रुको रुको, तीसरा मैं लिखवा रहा हूं फिर तुम्हारे डाउट को भी कर दूंगा। पहले तीसरा क्या लिखोगे, की जगह y और y की जगह x लिख दिया जाए, x की जगह y और y की जगह x लिख दिया जाए, तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रोटेशन होगा। अभी जो टगज हाथ में उठा के रोटेट कर रहे थे ना, वो चीज, x की जगह y और y की जगह x लिख दिया जाए तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रोटेट होगा। अभी जो कागज हाथ में उठा के रोटेट नहीं कर रहे थे, अरे यस, सुनो, कुछ बच्चों ने उस समय इसके नीचे भी डिजाइन बना दी थी, उनकी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, सुनो, दरअसल मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था y बराबर x की पावर सिर्फ 1/2, जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा नहीं होता, प्लस होता है, क्या होता, तो सिर्फ प्लस वाई बना। मगर इसी प्रश्न को यदि कोई थोड़ा सा चेंज कर दे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो और x की जगह y, y की जगह x कर दिया जाए तो ये क्या है, तो ये क्या है, रोटेशन अबाउट y इज इक्वल टू x, ये ऐसा रोटेट होके उधर आ गया जो कागज अपन ऐसा रोटेट कर रहे थे। तो बाबू इसको एक अलग जगह पे एग्जांपल करके लिखो, यहां पर हरकत की गई थी, पावर मैं इधर से उधर ले गया था पलटी खिला के, तो सिर्फ ऊपर का बना,
यहां पावर में छेड़ ना करे x को y से और y को x से कर दे तो पूरा का पूरा रोटेट मारेगा। लिखना भाई साहब। कने कुछ कहना चाहे मदम माया की चाल भी कम नीला बातें न करें। भाई साहब ब्रेन में स्टोर करने का समय आ गया है, अब हल्के में ना लें। चीजें हल्की हैं मगर काम की बहुत है। ठीक। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं पाए। ये एक ही कागज में तीनों। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं पाए। हवा का दीद मधम है। समय की चाल भी कम है। सुनो, सबसे पहला वाला क्या है? x into y is equal to 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई, इसलिए मैंने बेसिक चीजें पहले बता दी थी। चेहरे से हाथ हटा के बैठो। यानी कि x is equal to y is equal to 1 square, यानी कि c की जगह 1 है, तो वो 1,1 से भी गुजरेगा और -1,-1 से भी गुजरेगा। तो पहला वाला तो बन गया, बाकी दो की ही इंपोर्टेंस है। अच्छा, आपने हाथ में यदि तीन कलर के पेन रखो तो ज्यादा अच्छा यार। मैं हमेशा रंग मना करता हूं तीन चार कलर के, मगर अभी जरूरत पड़ गई है। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं। और सुनो, ग्राफ ऐसे मत बनाओ कि सब कुछ एक दूसरे पे ओवरलैप दिखाई दे। क्या स्पष्ट रहे उसको काट पीट दो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जूम 500 पर ले जाओ। धड़कन कुछ कहना चाहे कह नहीं पाए। वही अपना कर भैया तू। वो तुम्हें छोटा भाई समझ के दुलार कर रहा है। चल चल, माया की चाल भी कम है नीलासमां। देखो साहब, देखो बाबा, देखो, क्या हम x की जगह माइनस रख सकते हैं क्या तीनों में? हाँ हाँ रख सकते हैं, पावर ऑड है, क्या टेंशन है। आइए देखिएगा। समय की चाल भी कम। सुनो भाई, अब लिखो मत, स्पष्टता के लिए बड़ा बड़ा सब कुछ बनाओ। सुनना, जीरो रखने पर ये भी इंफिनिटी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। माइनस का जीरो मतलब समझते हैं, माइनस 0.0000001 रखने पर माइनस की इंफिनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? तो आइए देखिएगा, बोर्ड पे देखना भैया। सुनो जरा ध्यान से सुनो, हम इसमें 1/2 रखें तो ये क्या देगा? 8। जबकि 2 रखे तो, और इसमें 1/2 रखें तो 32।
तो इसमें 1/2 रखा तो इसने 2 दिया, इसमें 1/2 रखा तो इसने 8 दिया, और उसमें 1/2 रखा तो 32 दिया। यानी कि कुछ ऐसा आया, कौन? 1/x³। एक काम करते हैं, अपन अब 2 भी रखेंगे, तो 2 इसमें रखा तो मुझे क्या मिला? 1/2। 2 इसमें रखा 1/8, यानी कम हुआ। उसमें रख दूं तो, यानी कि ये इधर निकल भागा, और वो जो है कौन, उसको अब मैं क्रिएटिविटी के साथ लेकर आया और वो इधर निकल गया। अब इस लाइन के अबाउट यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, कैसा? समझ रहे हो बात को? तो ये हुआ 1/x³, और ये डिजाइनदार, ये कौन? पहली बार में सही है तो हाथ उठाना, छोटी मोटी गड़बड़ी भी है तो हाथ झूठे कर देना, हाथ नीचे कर लेना, झूठे हाथ मत उठाना, अच्छे से हाथ उठाना। अरे भाई हाथ उठाना, एक मिनट में जरा देख लूं अच्छे लोगों को। तुम देख के तो नहीं बना रहे पड़ोसी का? हाँ, अब तुम किसी को देख रहे हो उसको क्या मालूम? अच्छा, अच्छे से हाथ उठाओ यार, एक मिनट हाथ उठा के रखो, मैं जरा देख लूं लायक लोगों को। आदित्य मेहता से बन रहा है इतनी लंबी छुट्टी के बाद? वायर, अच्छे से हाथ उठा के रखो, बढ़िया बढ़िया। अनुज गोपाल से भी बना, हाथ नीचे करो। अब सिंपल सी बात है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अब इसके बाद मैं आपसे क्या मांगने वाला हूं? नहीं नहीं नहीं, इवन क्या? वाई बराबर 1/x एक रखना है, एक रखना वाई अपॉन 1/x, एक रखना है y अपॉन 1/x², एक रखना है y = 1/x⁴। भाई साहब ये वाला व्यवस्थित और सुंदर बनाए। अच्छा सुनो, तुम वो 1-1 का झगड़ा मत लो दिमाग पे, तुम पहले इसको स्मूथ हाथ से घुमा दो, दो को, और अच्छी खासी दूरी पे रखो, तभी तो ये डॉटेड समझा पाओगे। हाँ, ये चारों एक ही में, नए एक ही में। अरे यार इन तीन के पास लिखो तो सही कि वो तीन कौन थे। इसको तो हटा ही दो, यदि होता तो एक यहां बन जाता, तो इसको हटा दो, कोई बात नहीं ना, मेन तो टेंशन इसकी है। ऊपर ऊपर का कितों का सही चला गया, नीचे आपने 1/x बनाया होगा, और क्या, बधाइयां। आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए भाई इसको। अरे यस, बातें न करें, क्या इसको बच्चा मिटा दिया जाए? अरे हाँ जी, ये अपनी कॉपी में जल्दी फटाफट बनाए। नहीं, दोनों अलग अलग कागज में, दोनों अलग अलग कागज में। एक्चुअली गेम समझाना चाहता हूं, सुनो, यहां पावर है 1 से कम और यहां पावर है 1 से ज्यादा, तो उसका गेम समझना है। अरे सुनो, एकदम ढीले हाथ से, हल्के हाथ से मत बनाओ, पेन अच्छे से पकड़ के एकदम व्यवस्थित बनाइए। मैं आपको बता दूं,
ये जो ज्योतिष और वो लोग होते हैं ना, उन लोगों का स्टेटमेंट है कि जितने बच्चे हल्के हाथ से पेन पकड़ते हैं और हल्के हाथ से लिखते हैं, और जो लोग टाइट हाथ से पकड़ के टाइट हाथ से लिखते हैं, उनकी जिंदगी उतनी ही उनके हाथ में कंट्रोल में होती है, और यहां अनकंट्रोल होती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं जिंदगी में। मतलब जिंदगी उनको नचाती है क्या? तो आप हल्के हाथ से ये एक्स एक्सिस खींच रहे हैं, वो वाई तिरछी हो गई, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, आड़ी तड़ी हो गई। अपने कंट्रोल में पेन तो रखो, तब बाकी चीजें और कंट्रोल में आएगी। लिखो जल्दी फटाफट, लिखो जल्दी लिखो। बातें न करें, कुछ लोग क्या कोने में दुबक के बैठ गए और बातें कर रहे हैं। सीधे होके बैठ जाओ तुम, आओ देखो भैया, देखना बड़ी काम की बात। क्या मैं माइनस वन रख सकता हूँ इसमें? अरे मोरे 92, पहले स्क्वायर कर फिर 1/3 कर। माइनस वन मैं रख सकता हूँ, गलत गया तुम्हारा, नहीं चेंज कर लिया, ऐसा नहीं होता भैया, नहीं भैया ऐसा थोड़ी होता। वो चेंज वेंज करना हो ना तो वो 200-300 करोड़ का नुकसान हो जाता। ऋतिक रोशन ने चेंज किया ना फैसला, तो ऐसा होता भैया, मुआवजा लगता। तो यूं ही बदल नहीं देते, ये कार्ड दिया और ये लिख दिया। आइए देखिएगा, ये है मोडेक्स, यूं ही सपोर्ट लाइन के लिए बनाया, ठीक है। 1/2 पर मेरे साथ बातचीत कीजिए, बोलो। 1/2 का पहले स्क्वायर हुआ, क्या बना? यस, और फिर मैं कर रहा हूं पावर 1/3, या चलो छोड़ो इतना टेंशन, मतलब कौन पाले इतना टेंशन। तुम तो मुझे एक बात बताओ, y बराबर x की पावर 1/3 का इस इलाके में ग्राफ कैसा बना था? ऐसा ऊपर गया था कि ऐसा गया था? ऐसा इसलिए गया था क्योंकि ये क्या है, बात खत्म। और वो 1 से ज्यादा है तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बना था? ऐसा बना था, तो उसका भी ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसा और क्या ऐसा, तो ये डॉटेड कुछ काम का नहीं है। जिन्होंने ये और ये बनाया है, दोनों बनाए हैं, पहली बार में बनाए हैं, तो हाथ उठाएं। बहन बेटियों का पत्ता साफ। ऐसे में कैसे आप ट्रेन में आराम से जर्नी कर सकते हैं कि हम चले मम्मी के घर मायके, हॉस्टल छोड़ के कहाँ चले? यहाँ ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं, बताइए आप। लिखे जल्दी फटाफट, जल्दी लिखे भाई, जल्दी लिखे। अब इसको इसको करके दिखाओ अपनी कॉपी में, जल्दी फटाफट भैया। उधर लिख तो वो काय का ग्राफ है, ग्राफ इतना बड़ा और इक्वेशन इतनी छोटी है, है? हाथी की गोद में चींटी। अरे यस मालिक, चलो इसको करके दिखाओ। क्या इस वाले में मैं नेगेटिव रख सकता हूं? नहीं रख सकता। इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, जो चाहे लिख लो, पहले क्यूब करके फिर 1/2 कर लो, चाहे जो करना है कर लो, कोई टेंशन नहीं रहो। बात एक ही है, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर कर सकते हैं। तो बताइए साहब, 1 रखने पर 1 मिलेगा, और ये ग्राफ सिर्फ इधर बनेगा और इन तीनों हिस्सों में कहीं नहीं बनेगा, वो ही हाथ उठाएं। चलो लिखो जल्दी फटाफट। बात एक ही है, मगर इसमें पहचान है कि यदि कोई बोले कि एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसका एक्स स्क्वायर नीचे से जाएगा और इधर ऊपर निकल जाएगा।
आगे बढ़े। यस दीदी, आप सुबह तो थे ना? वाह यार, चलो हाँ वो लास्ट वाली चेयर पे ही जाओ। किसको भैया अंदर? किसको 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 किसको? चलो बच्चा, क्या इसको मिटा दिया जाए? मिटा दूं? आइए आगे बढ़ते हैं। अरे बातें ना करो भैया, y बराबर 2 की पावर x, y बराबर e की पावर x, e बोले तो नियरली अबाउट 2.71, और y बराबर 10 की पावर x, तीनों एक ही कागज में। एक हाथ से कॉपी को पकड़ प्यार से, और दूसरे हाथ से एकदम अपने कंट्रोल में पेन चलाओ। सुनो मेरी बात सुनो, तुम 2 की पावर x का ग्राफ लगभग बनाओ, 10 की पावर x का लगभग बनाओ, उन दोनों के बीच में से गुजार देना e की पावर x। धड़कन कुछ कहना चाहे उससे क्या लेना देना दीदी, x में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ रखूंगा। x की पावर कुछ होती तो आप पूछते तो सही था, या लॉग के पैरों में x होता तो पूछते तो ठीक था। यहां तो माथे पर है, तो माथे पर मैं प्लस भी रख सकता हूं, माइनस भी रख सकता हूं, जीरो भी रख सकता हूं, टेंस टू इन्फिनिटी भी रख सकता हूं, जीरो से वन भी रख सकता हूं, कौन मना करेगा? काय को नहीं बनता ग्राफ, मैं बना के दिखाऊंगा, वही बनेगा, कंटिन्यू ग्राफ बनेगा, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। आप 12th क्लास में हो दीदी, 11th का पूछे ऐसा तो ठीक है। धड़कन कुछ कहना चाहे, आओ जरा देखो क्या ये एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर कुछ भी पावर चढ़ा लू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। कुछ 2 की पावर एक्स बनाता हूं भैया, तो 1 रखने पर ये क्या देगा? और माइनस 1 रखने पर क्या देगा? यस, तो इन तीन जगह से गुजरेगा मेरा ब्यूटीफुल ग्राफ। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं, 2 की पावर एक्स, सुधारना नहीं आ रही है, छिछुराई मत करो, यहां बैठ के तुमने धीरे से डंडी यूं कर दी, शांति से बैठो, तुम सीखो, हाथ उठाने में क्या मजा आएगा, उससे अच्छा सीखो। उच्च रसिया, जब पढ़ाई के रस ले ले पहले, छापने के रस ले रिया पहले, तो चोरसिया मतलब चार रस लेने वाला, चार रस लेने वाला चतुर्वेदी, चार वेदों वाला, यस द्विवेदी, ऐसा है। आइए देखिए,
अब अपन एक बटा वो 10 की पावर x की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, तो 1 रखने पर वो तो न जाने क्यों दे देगा, यस, और माइनस 1 रखने पर बहुत नीचे, तो ये आया डॉटेड कौन 1/10। अरे यस, इसका नाम 10 की पावर x। अच्छा, चूंकि जो e है वो इन दोनों के बीच में, तो जिंदगी में भी कहां रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, वो तैरता रहेगा ऐसे। समझ गए ना बात को, यहां 10 की पावर x है सबसे नीचे, सबसे ऊपर 2 की पावर x है, और बीच में बेचारा बीच वाला। कितने लोगों का एकदम एकदम सही गया, कोई भी छेड़खानी किए बगैर पहली बार में सही है, तो हाथ उठाना रे बाबा। ये परमार ब्रदर से कुछ नहीं बन रहा क्या देश के लिए? चलो आगे बढ़ू। धड़कन कुछ कहना चाहे नहीं पाई, एक ही ग्राफ पे तीनों। अरे तुमको मना कर रहा हूं फिर भी ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो नालायक। अरे का एक पेज पे 6 ग्राफ बना दिए तुमने, हर बार कह रहा हूं फ्रेश लोकेशन पर आप बड़ा ग्राफ बना। सुनो, आओ जरा देखो, यहां आप 3 रखो, x की जगह क्या रखो, क्या मिलेगा, यहां 8 रखो, ये तीनों व्यक्ति एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली इनवर्स। क्या ये पकड़ा और इनवर्स फंक्शन, इसका इनपुट उसका आउटपुट, इसका आउटपुट उसका इनपुट। अरे मैंने बताया था ना तुम्हें ज्यूसर में अपन क्या करते हैं, इधर से मौसम्बी डालते हैं, उधर से क्या निकलता है, रस। क्या काश के कोई ऐसी मशीन बने जिसमें हम इधर से रस डालें उधर से मौसम्बी निकल गया, उसका मैंने नाम भी रख दिया इनवर्स ऑफ ज्यूसर। क्या ये यही चीज है वो। तो भाई साहब, अरे क्या भैया, अगले जन्म में प्रेशर कुकर बन जाएगा तेरी कसम, लोग तेरे को दबाते रहेंगे प्रेशर कुकर की तरह, और फिर तुम ऐसी आवाजें निकालते रहना। चलो इधर देखो, तो सुनो बच्चा, जब ये ऐसे रोटेट हुआ तो जो प्लेन पेन मैंने चलाया है वो इससे बहुत दूर है, तो यहां उससे दूर हो जाएगा। अरे यस, तो यहां पर 1 रखने पर क्या होने वाला है, अरे यस, तो क्या हुजूर वो कुछ ऐसा जाएगा। तो ये कौन सा वाला ग्राफ, अरे सही है भाई, अरे हां, और डॉटेड वाला सही है, और ई की पावर एक्स वाला कुछ के चेहरे पे टेंशन आ गई है, तो ईमानदारी के साथ हाथ उठाना सही गया, तो अच्छे से हाथ उठाना अच्छे से। तुमने इसमें कहाँ लिखा कौन सा 2 वाला है कौन सा 10 वाला है, नालायक लिख। हेलो हाय, तुम बंद करके बैठ गए दुकान,
तुमने क्यों हाथ उठा रखा है धरती के बोझ, ये लॉक के बेस में ई वाला तूने सबसे ऊपर लिख रखा जबकि मेरे में टू है सबसे ऊपर। बस हाथ उठाओ। ये बैग नीचे रख दो ना यार, वैसे इंसानों के बैठने की जगह नहीं है, तुम बैग रख रहे हो। चलो आगे बढ़ो, हाथ नीचे करो। बातें न करें, भाई साहब जल्दी फटाफट अपनी कॉपी में, क्योंकि तुम्हें आते हैं सिर्फ याद दिलाना है, इसलिए फटाफट। मान लो कि आपकी कॉपी का ये पेज है तो उसमें एक पेज में दो, एक ऊपर एक नीचे, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स, टेन के पास में कॉट बनाना, फिर कोसेक एक्स सेक एक्स, जल्दी। और वो ध्यान रखना, मैंने एक बार समझाया था टुनटुन और कटरीना का, वो ध्यान रखना है। अपने सारे एग्जाम्पल काय पर होते हैं, लड़कियों पे काय पर। हैं ले तू कर ले जल्दी बढ़ावट। अरे इतना डिटेल में नहीं बनाना, तुम पाई बाई टू पाई बाई फोर बना रहे हो, बस जल्दी जल्दी बनाओ और हटो फास्ट। सिर्फ प्लस एक्स एक्सिस का मत बनाना, थोड़ा बहुत हिस्सा माइनस एक्स पे भी तो जाए। धड़कने कुछ कहना चाहे नहीं पाए, मैंने ये बताया था कि ये ग्राफ मोटा और ठिगना है टुनटुन की तरह। कुछ बच्चे गलत बनाते हैं, वो ऐसा बनाते हैं, ये गलत है, वो कटरीना बना देते हैं, ये गलत है, किसी दिन मुसीबत में पड़ सकते हो।
और ये वाली जो लाइन होती है ना, ये डॉटेड बनती है, डार्क नहीं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि इतनी सारी वाई एक्सिस बन गई का। यस, वाई इज इक्वल टू कुजेक एक्स। इसके उल्टे कटोरे मतलब, अरे समझ रहे हैं बात को भैया? अरे यार ये तो मैंने 11th में भी सुकून से करवाया, 12th में भी करवाया। और y इज इक्वल टू sec x, तो इसमें cos के उल्टे कटोरे। देख लेना मैं सही तो हूं। देखना देखना, अरे सही जा रहा है क्या? आइए देखिएगा, y बराबर 10x, तो ये पाई बाई टू पे इन्फिनिटी मारेगा, ये माइनस पाई बाई टू पे, ये पाई पे जीरो, थ्री पाई बाई टू पे इन्फिनिटी, माइनस पाई पे जीरो, माइनस थ्री पाई बाई टू पे। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, और फिर फोर्थ में क्या, ये यूं जाएगा यदि चाहोगे तो, दैट इज कॉल्ड 5π/2। इसका पीरियड पाई। क्यों हिल रहे हो तुम? कितने लोगों के ये पांच सही चले गए? पांचों सही। तुम्हारे सही चले गए? पेन क्यों हिला रही है इतनी तेजी में? अरे यासिर, ये क्या हो गया? आखिरी और क्वार्ट का देख लेते हैं जल्दी फटाफट। y बराबर cot x, तो वो पाई बाई टू पे जीरो मारेगा, पाई पर इंफिनिटी, तो ये ऐसे आएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई। सुनो, इसमें बनता है s, आपसे मैंने कहा था, ये देखो ध्यान से, cot में बनता है s। कितने लोगों का cot इंडिविजुअली सही चला गया? जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे यार, जो गलत गया है ना उसको रिपेयर करने की जगह फ्रेश बना डालो दादा। और क्यों फिर तुमने कॉपी छोड़ दी दूसरे हाथ से? उसको प्यार से पकड़ो दूसरे हाथ से। भाई साहब, एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ
क्लास 12 एंड ड्रॉपर में जब ये चैप्टर पढ़ाए थे तब बहुत सुकून से बनवाए थे। वो पन्नी को अपन रोटेट कर करके बना रहे थे, हर बार रोटेशन लगाया था। अरे हाँ जी, इसलिए आज समय बचेगा तो लास्ट में पढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना? तो किसी को यदि पढ़ने की इच्छा है तो भाई साहब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो ओपन कर लेना। अरे हाँ कि ना? अरे यस मालिक, आगे बढ़े। अरे बढ़े, आओ। अरे यस बच्चा, बढ़े आगे बढ़े। बातें न करें, तुम कुछ खा रहे हो का? हाँ तुम हाँ क्या खा रहे हो? नहीं नहीं, राठौर के पीछे वाला क्या खा रहे हो? टॉफी? हाँ यार, चलो बच्चा एक ग्राफ बनाओ जल्दी फटाफट अपनी कॉपी में। y बराबर x प्लस वन एक ब्रैकेट में इनटू करके दूसरे ब्रैकेट में x माइनस थ्री। अपनी कॉपी में एकदम व्यवस्थित सही ढंग से, इसको तुम छोटा बनाओगे चलेगा, मगर हर वैल्यू शो होनी चाहिए। इसका मिनिमा शो होना चाहिए, एक्स एक्सिस कब कटेगी तब सही सही शो होना चाहिए, वाई एक्सिस कब कटेगी वो एकदम सही सही शो होना चाहिए। इसको छोटा बनाओगे तो भी चलेगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री। इसका मतलब बच्चा ये दरअसल क्या लिखा हुआ है ये भी जरूर अपनी कॉपी में लिखिएगा। अरे वाह यार, तुमने क्या डिजाइन बनाई भैया ने लॉग का ग्राफ बना दिया नालायक, मेरी क्लास में रोज आया कर तो भला हो जाए तेरे जीवन का। आइए साहब देखिएगा, सुनो, एक्स एक्सिस कब कब कटेगी? माइनस वन पे कटेगी, और क्या तीन पे कटेगी? अरे सुनो ना, इन दोनों का मिड पॉइंट बोलो ना, वन। इन दोनों का मिड पॉइंट सही है। वन रखने पर ये लोग क्या देंगे देखना, क्या दे रहे हैं बाबा? अच्छा टू रखने पर देखना क्या दे रहे हैं। और जीरो रखने पर देखना क्या दे रहे हैं। यानी ये हुआ ये टू और जीरो का टेंशन नहीं है, रिक्वायर्ड फील्ड थी ये, ये और ये और ये, चार। मिनिमा वाई कब कटेगा, एक्स कब कटेगा, ये एकदम स्पष्ट है तो हाथ उठाना।
आपके ग्राफ में ये स्पष्ट है तो हाथ उठाना। ये तो 11 में भी करवाया यार, 12 में भी करवाया। अरे यूपी, अरे झा, ये क्या हो गया? अरे मराठा, ये क्या हो गया भाई? अरे यार क्या वो स्थिति क्या चल रही चुनाव की महाराष्ट्र के? हाथ तो नीचे करो। किसी को अपडेट मिली क्या मोबले पे? बीजेपी 119, कितनी टोटल कितनी है? 288 के आधे, और कितने मिल गए? 119, तो 144 चाहिए ना। मतलब फैसला हो गया, फाइनल स्थिति कि अभी बढ़त पर है। चलो देखते हैं गुजराती से जो टकराता उसका क्या होता। अरे यस, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अरे दादा ये बन गया क्या? अब बच्चा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा एक अलग बात करते हैं, मेरी बात सुनो भाई, तूने गलत बनाया है, क्या कर रहा है नालायक? वन पे सिमेट्रिक हो रहा है, इस इक्वेशन का नाम क्या? काट एकदम उसको, वी शेप नहीं है ये, पैराबोलिक शेप है। आपने देखा होगा लूना पुराने जमाने की, या आजकल का जो बजाज ऑटो चलता है उसकी हेडलाइट, वो हेडलाइट का शेप पैराबोलिक, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अंदर लगा होता है। और बाहर गाड़ी की हेडलाइट का डिजाइन कुछ भी कर दो, अंदर क्या रखना पड़ता है? पैराबोलिक ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फोकस सही नहीं मिलेगा। उसकी जगह तुम वी शेप लगा रहे हो, कुछ भी करो। यहां देखेगा, सुनो काम की बात, एक मिनट। इसमें मेरा दिल कहता है कि यूं ही अपन एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, तो नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? लिखना अपनी कॉपी में। अरे कलम चला रहे बच्चा, कुछ जादू भरी चीज सीखने जा रहे हैं। अरे क्या रफ में कर रहा, वहीं कर जीवन में, क्या रफ अलग मिलेगा फेयर अलग मिलेगा तेरे को सब कुछ? कौन कह रहा यही आ गई? क्या हो गया? अरे सुनो तो क्या हो गया, बोले तो यार 2 - x + 1, अरे वाह भैया वाह, और ये कितना 2 - x - क्या, तो ये क्या हो गया, क्या 1 - x हो गया, 3 - x हो गया, क्या हो गया, और ये कितना हो गया, क्या हो गया, -1 - x हो गया क्या? इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसमें डाल देने का। अभी तो सेम हो गई, क्यों हो गई ये प्रश्न है। अरे अपन सीखने बैठे ना ग्राफ, तो कुछ खास तो होना चाहिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए समझिए, और आंसर चिल्लाना नहीं है, आपको हाथ उठाना है। मैंने 2 - x से रिप्लेस किया, हाथों पे मत लिख, स्किन कैंसर हो जाएगा। अरे भाई इंक न जाने काई से बनी, तो आप क्या करें, अपने कागज पे लिखें, उसी फेयर कॉपी में लिखें जो लिखना है। पहले तो ये चेक लगाओ
कि साहब ये 2-x से रिप्लेस करने पर वापस 2-x क्यों बनी, पहले तो लिख दो फिर क्वेश्चन लिखो क्यों और मन में सोचो। अरे भैया पड़ोसी से क्या पूछना यार, उसको क्या मालूम, तुम ऐसे आड़े तेड़े निढाल होकर बैठ गए यार। भैया क्या नाम तुम्हारा? हाँ काली टी शर्ट वाले भैया, हाँ सनी, सनी आगे मोटवानी, तुम सीधे होके बैठो यार, जरा दिखना चाहिए कि यस, मतलब सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऑल इंडिया, सिंध मराठा, सिंध भी है मराठा भी है गुजरात भी है यूपी भी है एमपी वाले चलो जल्दी करो बाबा जल्दी करो, एक मिनट हाथ उठाओ बच्चे, यहाँ दो लोगों के हाथ उठ गए, कंपटीशन लग रही है, तुम हल्के में ले रहे हो क्वेश्चन की दम को, हाथ उठा के रखना थोड़ी देर और अपने आंसर को एकदम सोचते रहो कि सही जाएगा कि नहीं। बहन बेटियों में कोई है वे? भाई साहब फिलहाल 5 हाथ उठे हुए हैं, आप लोग थोड़ी देर हाथ नीचे कर लो, जब पूछूंगा तब दोबारा उठाइएगा। जिस जिस के पास कुछ आंसर आता जाए वो अपना हाथ एक बार उठा के मुझे बताता जाए, ठीक है? हाथ नीचे कर लो, 5 में 3 और बढ़ गए। वो बात मत कर वर्मा, चेहरे से हाथ हटाओ। यस पाटिल का भी आंसर आया, 9 लोग हो गए। मोटवानी का भी आंसर आया, 10 लोग हो गए। दीदी का क्या नाम? श्रद्धा। शताब्दी का भी आंसर आया, जल्दी करो फटाफट। बातें ना करें, बातें न करें। चलो फाइनली हाथ उठाओ, किस कितों के पास कुछ आंसर है जिनको उन पे भरोसा है, हाथ उठाओ। अरे पाटिल का हाथ नीचे रह गया, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ। बजाज आंसर बताओ बेटिया, उससे क्या मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है उससे क्या बेटिया। और कोई हाथ उठाओ, जिनका आंसर इससे मैच हो रहा है वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कारण आगे बढ़ेगा। हाथ अच्छे से उठाओ, छोटे छोटे दिख नहीं रहे मुझे, ब्यूटीफुल हाथ अच्छे से ऊपर दिखाओ, दिखाई दे जरा। 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं फिलहाल मार्केट में। हाँ तुम बताओ सर, बैठो आप बैठो, और हाथ उठा के रखना भैया, अच्छे से उठा के रखना, सीधा हाथ उठा के रखना। हाँ तुम खड़े हो जाओ जयसवाल बैठिए आप, और हाथ उठाइए। पाटिल बताओ, फिर से बोलो क्या कह रहे हो? जोर से बोलो दादा, तुम्हारे पीछे से क्या कूलर की वेव्स आ रही हैं, उस तुम्हारी आवाज को डिस्टर्ब कर मेरे पास पहुंचा रही है। तुम एक्स इक्वल टू 2 पर यदि एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हो तो वो तो यहाँ आ जाएगी। हाँ हाँ बैठिए आप, और देखते हैं, और हाथ उठाओ। हाँ गुप्ता जी सर,
बैठो आप और हाथ उठाओ। नए नए हाथ मत उठा यार, तुम कभी उठाते हो कभी नहीं उठाते हो। तुम बता दो शुक्ला जी। हाँ हाँ लगभग सभी सच सच अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। दीदी आप भी अपने विचार बताइए। बैठिए बैठिए। दीदी का ज्यादा सटीक आंसर आ रहा है, यहां सोचो जरा, सुनो, बात मत कर भैया। ये जो टू है, ये सॉरी वन है, इस वन से हम इस तरफ जितनी दूरी चल रहे हैं, इस तरफ भी हम उतनी ही दूरी चलें, तो आंसर सेम आ रहा है। समझो, मैं चला वन दूरी, मैं चला वन दूरी, तो वन से मैं इस तरफ गया वन, तो मैं कहां पहुंचा? जीरो। वन से मैं इधर चला टू, वन से इस तरफ चला वन तो पहुंचा टू। दोनों ने सेम आंसर दे दिया। एक काम करते हैं, मैं वन से इस तरफ चला हाफ, कितना? तो मैं कहां पहुंचूंगा? वन बाई टू। मैं वन से चला हाफ इधर, तो कहां पहुंचा? थ्री बाई टू। एक्चुअली क्या है? 2 माइनस वन बाई टू है ये वाली चीज। मैं इससे चला 0.25, वन से इधर खिसका, कितना? 0.25। तो दरअसल मैं कहां खड़ा हूं? 0.75 पे। यस, तो x की वैल्यू कितनी? 0.75। मैं इस वन से उस तरफ चला, कितना? तो ये क्या है? 1.25। 2 में से 1.25 घटा के देखिए क्या मिलेगा। जो भी ग्राफ ए नाम की चीज पर सिमेट्रिक मारते हैं, क्या उसकी डबल वैल्यू, क्या में से उसको रिप्लेस करने पर हमें वापस वही चीज मिलती है। तुमको आईआईटी में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि एक फंक्शन है, लेट कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स है ये प्रॉपर्टी देता है a माइनस एक्स, क्या? इसका मतलब, टेंशन मत लो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को क्या करो? x प्लस a माइनस एक्स, और अपॉन क्या कर दो? a बाई टू पर ये सिमेट्रिक होंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की गोद में माइनस एक्स, इसको क्या बोलते हो तुम? इवन फंक्शन। जरा गौर से देखो ये क्या है, इन दोनों को जोड़ा, x प्लस जीरो माइनस एक्स, जीरो बाई टू, x इज इक्वल टू जीरो, यानी y एक्सिस पर ये सिमेट्रिक होता है। तो ये तो विशेष प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन में यदि हम x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वह x इज इक्वल टू a बाई टू पे सिमेट्री मारता है। और धांसू धांसू क्वेश्चन बनते हैं, बस इतनी प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देते हैं, फिर वो मालूम क्या बताते हैं? कहते हैं a बाई टू के इस तरफ तीन रूट है, तो उस तरफ उधर भी तीन रूट होंगे। आप लिखो इस जानकारी को अच्छे से, पहले स्टोर करो कॉपी में, और सपोर्ट के लिए ये इवन फंक्शन की बात जरूर लिखना। और वो जो शब्द था ना बजाज का, कौन सा? सम ऑफ रूट्स में से घटा दिया, उसको भी बगल में सपोर्टिंग लिखिएगा। और वो मेरी वाली बात तो जरूर लिखना कि हम वन से दोनों तरफ जितना दूर चल रहे हैं, वो आंसर पे हमें सेम आउटपुट मिल रहा है।
आप x की जगह 0.25 रख के देखो, तो x की जगह 0.25 वन से कितनी दूर है, 75। तो वन से इस तरफ अपन 75 आगे बढ़ेंगे तो 1.75, 2 में से 0.25 घटाइए 0.7, 1.75 ही तो मिलेगा। x इज इक्वल टू a बाई टू, वर्टिकल लाइन जो होती है उसके अबाउट जो जो सिमेट्रिक होगा वह प्रॉपर्टी शो करेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की गोद में ए माइनस एक्स। मिटा दूं भाई इसको, लिखो जल्दी बड़ा बट, ये मिटा दिया भैया मैंने। इवन की बात जरूर लिखना है, दोनों को जोड़ के अपॉन टू करने का सिस्टम है। अरे काई को ब्रेक यार, समझ में नहीं आता मेरे को। पांच बजे करते हैं, कितने बजे? 5 बजे करते हैं ना। आइए देखिएगा बच्चा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ऐसा है। इसका ग्राफ थोड़ी देर पहले अपन ने झकास बनाया, 0 रखने पर माइनस 3 मिला था। और बताइए 3 रखने पर 0 हो गया था, माइनस 1 रखने पर ऐसा हो गया था, और 1 रखने पर क्या हो गया था? सही है, ठीक। सुनो ध्यान से, इसका नाम एफ एक्स, ओके। वाई बराबर होल मोड एफ एक्स, इसका मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका ग्राफ अपनी कॉपी में बनाइए। बात नहीं करें, बोलो साहब इसका क्या हुआ, बोलिए, बोलो। ये माइनस 1, 2, 3 इधर, 1 पे 4, और ये ऐसा, ऐसा बनाने वाले हाथ उठाएं। होल मोड लग गया, हाथ नीचे करिए, तो जितनी जितनी चीज नीचे लटक रही थी वो चीज ऊपर हो गई। अगला करिए, वाई इज इक्वल टू सादा एफ की गोद में माइनस एक्स। लगभग 1 इंच बड़ा घाव है लंबा, और गहराई लगभग ये नाखून की लंबाई के बराबर, और टांके कम से कम 5-6 लगेंगे। कुछ नहीं, दौड़ते हुए गिर गई मेरी बच्ची 3 साल की है। तो मैं क्या करूं, मैं तो उसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, उसके पहले वो खुद ही पहुंच गई। क्योंकि मुझे फोन करे मैं पहुंचू, उससे इम्पोर्टेंट है कि ऑटो वाला हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, है कि नहीं। तो उसको अभी ले जाएंगे ओटी में, टांके लगेंगे। मिरेकल हॉस्पिटल में यही एमपी नगर में विजय स्तंभ के पीछे, और यहां अपना स्टूडेंट वो गिर गया कृष्ण सेतलानी, उसको यहां घुटना लग गई। अभी 15-20 मिनट का ब्रेक, उसके अंदर उसको गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए ना। चलिए बताइए, x को माइनस एक्स से जब रिप्लेस करते हैं तो
रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, कौन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये वाला ग्राफ कैसे घूमेगा? अरे यस, तो भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा। इधर वन, इधर माइनस तीन, इधर तीन, और ये ग्राफ कुछ ऐसा। अरे यस, ठीक है, यानी इसकी इक्वेशन ऐसी लिखनी थी, सुनो, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, यानी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सुनो, इक्वेशन हर बार लिखते जाओ, सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि बीच वाले का चिन्ह बदला, मगर वो सच्चाई में क्या है, एक्स को रिप्लेस किया है काई से, माइनस एक्स से, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का होल मोड। तो इसमें क्या होगा, ये वन, ये माइनस तीन, ये तीन, ये चार, और क्या ये ऐसा हो जाएगा? इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला ग्राफ रोटेट हो गया अबाउट वाई एक्सिस। यस मालिक, इतने बन गए हो तो मैं मिटा दूं। अरे यस, बातें न करें। वाई इज इक्वल टू एफ की गोद में मॉड एक्स, यानी मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस तीन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो भी वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब पहले हम मॉड करें, पॉजिटिव करें, फिर स्क्वायर करें, क्या फर्क पड़ता? तो ये चीज वैसे भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस तीन, या कोई बोले एक्स स्क्वायर पे मॉड माइनस टू मॉड एक्स, बात सब कुछ एक ही है। ज्यादातर ये पूछा जाता है, बोलो साहब हम सिर्फ प्लस एक्स एक्सिस बनाएंगे, हम माइनस एक्स बनाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ प्लस एक्स एक्सिस ही बनाएंगे, माइनस एक्स एक्सिस बनाएंगे ही नहीं, और उसके बाद उसकी इमेज बनाएंगे। एकदम सही, कितनों का गया, वो साइन एक्स में याद करो, साइन की गोद में मॉड एक्स बिठाल के मैंने मूछ बनाई थी, तो बातचीत तो हुई थी अपनी कि सिर्फ प्लस एक्स बना के उसकी इमेज बनेगी। हाथ नीचे करिए, आगे बढ़िए। y बराबर f की गोद में मॉड एक्स और होल भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस तीन पर मॉड। बोलो साहब इसमें क्या होगा, ये कितने लोगों ने बनाया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यानी सीधी भाषा में ऐसा, यानी ऐसा, यानी ऐसा। y को रिप्लेस किया है काई से, माइनस वाई से, पन्ने क्या पलट के देखना यार, बोलो साहब बोलो।
चेहरे से हाथ हटाओ। कितनों ने सही बना डाला, फिर कई लोग छूट जाते हैं यार, कसम खुदा की। आइए देखिएगा, अगला करिए गा। आओ धड़कने कुछ कहना चाहे। कितने लोगों को कुछ रास्ता मिल गया, बहुत कम है मैदान में, एक भी बहन बैठी नहीं है। अच्छे से हाथ उठा के रखो यार, या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो। हाँ अपन खड़े होके बताओ जल्दी फटाफट। गाजरे साहब, इनका नाम अनिकेत गाजरे। इनका नाम अनिकेत गाजरे। जब 10वीं से 11वीं का स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, मात्र दो बच्चे ऐसे थे जो 80% तक स्कॉलरशिप मेरे यहाँ ले गए, और आज दोनों ही पास में बैठे हैं। हाँ बोलो क्या। बस सिर्फ ऊपर ऊपर का, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ बोलो जोर जोर से। हाँ वो बन गया। हाँ ठीक है, अब क्या करना। कहाँ कहाँ लेंगे इमेज, तुम बना के दिखाओ। तुमने बनाया तो है नहीं, और बोल कुछ और रहे हो। तुमने जो बनाया वो बोलो ना। नहीं ऐसा नहीं, बैठ जाओ तुम। हाथ नीचे करो। दरअसल इन दोनों के हाथ उठे थे और इन दोनों की कॉपी में गलत था। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए, कब तक बना रहा हूं ऐसा थोड़ी होता। अब तुम भैया के पास में बैठे हो ना, आप दूर हट जाओ, फिर देखते हैं, मैदान में आ जाओ। हाँ तुम्हारा सही है ना भाई साहब। देखिएगा जरा, सोचो सुनो ध्यान से। हमने x की जगह जब मॉड x लिखा था तो हमने क्या क्या किया था। हमने सिर्फ प्लस x बनाई और y में उसकी इमेज बनाई। अभी y की जगह क्या लिखा, मॉड y। y की जगह क्या लिखा, तो हम सिर्फ प्लस y बनाएंगे। और x में उसकी इमेज बनाएंगे। अब इसको मैं रट्टा रटवाना नहीं चाहता, ऐसा क्यों हुआ कोई एक्सप्लेनेशन दे। ऐसा क्यों हुआ उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे। चार हाथ उठे हैं, बहन बेटियों के हाथ ही नहीं उठ रहे। पांच हाथ उठे हैं। पाटिल, पाटिल मैदान में उतरा, तुम पहचानते नहीं हो पाटिल को है। उनका नाम है, क्या नाम है, जयेश पाटिल। और बैठो आप, इनकी बहन का नाम लीना पाटिल, शुभम शिरोठिया से अगले बैच में वो अपने आप पढ़ती थी। फिलहाल मैनेट से पास आउट, हाथ उठा के रखो। आपका सीनियर है वो, आप दोनों का, राजा और अनिकेत का जो पीछे बैठा, वही पाटिल, हाथ उठा के रखो। तुम बता दो खड़े हो जाके। यस
खड़े होके, सुनो रे भैया जोर से बोल, मेरे नजदीक खड़ा ऐसा मत सोच, इतने सारों को सुनाना, वो आखिरी में कूलर की आवाज में बैठा उसको भी। हाँ बोल। शांति रखो ना। हाँ हाँ यस बोल। हाँ तो बैठो आप, मजा नहीं आया इसके आंसर में, और कोई हाथ उठाओ जल्दी फटाफट। नए हाथ क्यों बढ़ जाते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता। आकाश ने उठा लिया इस बार, और तुमने भी उठा लिया, गुप्ता ने भी उठा लिया। हाँ महेश्वरी तुम जवाब दो, बैठिए आप, और कोई इसमें भी मजा नहीं आया। गाजरे साहब बता दो, सीधे खड़े हो के तो। हाँ यस। हाँ मैंने नीचे की झालर क्यों नहीं बनाई, बैठिए आप, सुनिए सुनिए समझिए बात को, मैं सही भाषा में समझाता हूं, देखिएगा सुनो। इस क्वांटिटी के सामने क्या है, मतलब ये ऑलवेज क्या है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको आउट ऑफ रेंज हो गया नेगेटिव आंसर देना, क्योंकि इधर क्या है पॉजिटिव, ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव इक्वल टू दिस, तो ये आंसर नेगेटिव दे ही नहीं सकता, इसलिए इसके वो आंसर उठाए गए जो पॉजिटिव आउटपुट दे रहे थे, तो नेगेटिव आउटपुट की ये झालर जो थी वो हट गई, सिर्फ कौन से पॉजिटिव। एक काम करते हैं, चार रखने पर क्या मिला था, चार रखो इसमें, सोलह में से आठ गए, फिर तीन गए पांच, तो मॉड वाई इज इक्वल टू, तो ये सेंटेंस मत बोला करो कि मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, सेंटेंस ये बोला करो कि हम किस चीज का मॉड लें कि पांच हो जाए, चेहरे साथ हटाओ, प्लस माइनस पांच, तो चार रखने पर आंसर पांच भी और माइनस पांच भी। यस भाई साहब जल्दी करिए, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड वाई इज इक्वल टू, अब मेरे को इतनी दूर से दिखता तो क्या बात होती, तुम जोर से बोलना एक्सप्लेन कर दे, इसके साथ क्या करूं फिर क्या करूं और फिर क्या करूं और फिर क्या करूं, उसका सुनो तो सही आंसर। आओ बैठिए आप झगास, सुनो मेरी बात, भैया ने क्या करा, पहले इसका ग्राफ बनाया, किसका, यानी कि भैया ने पहले ये ग्राफ, भैया ने पहले ये ग्राफ बनाया, ये काई चीज का ग्राफ है, एक्चुअली टुकड़ों में काम होता है, चेहरे साथ डाल, ठीक है, और फिर हमें जब इधर मॉड लगाना है तो सिर्फ प्लस का बनाओ, नीचे वैसे भी कुछ नहीं था कि ना, इसकी इमेज नीचे,
ये बनाया तो हाथ उड़ाओ। एक मिनट देखो कितने कम हाथ है, बहन बेटियों में सिर्फ एक का हाथ है, भाई भैयाओं में भी कईयों ने मैदान छोड़ दिया। अब की बार तो पाटिल भी उड़ गए। गाउ टकाई में इसमें यस खड़े हो जाओ पूछो। हाँ हाँ भैया का ऑब्जेक्शन तो सही है कि पहले हम मॉड वाई एफ एक्स का ग्राफ बना लें, यस, और फिर एफ एक्स पे मॉड लगाएं। तो भैया कहाँ गलत हैं वो बताओ। भैया कह रहे हैं कि पहले वाई पे मॉड मारा तो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और फिर एफ एक्स पे मॉड, बैठो आप बैठो, तो कौन इनकी बात को काटेगा और सही एक्सप्लेनेशन दे देगा। हाँ यस मोटवानी खड़े हो जाओ बता दो। हाँ हाँ तो मतलब तुम उसके सपोर्ट में वोट दे रहे हो कि ये गलत है या उसकी बात काट के बोल रहे हो कि सुहाग का सही है। ये सही है तो उसको एक्सप्लेन हो जाए, ऐसा कुछ जोर जोर से बोलो पूरी क्लास को समझ में आ जाए। हाँ कौन से मोड का? तुम्हारा तो नया डाउट है। बैठो भाई साहब। यस शुक्ला बताओ। हाँ हाँ बैठो आप। हाँ गुप्ता जी क्या कह रहे थे? जोर से बोलो यार, बुलंद आवाज होनी चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा फोटो छपा है ना लाल किताब के पीछे, है तो कुछ जोर से बोल लोगों को समझ में आए। हाँ बोल। हाँ वो भैया नहीं है तुम्हारे साथ का, ये ट्वेल्थ का। ठीक कौन से स्कूल में हो? बाल भारती। यस हाँ बोलो। हाँ 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 ये बोला सही। बैठिए भाई साहब आप, इसलिए फोटो छपी इनकी लाल किताब के पीछे। जब मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था तो एफ एक्स जो नेगेटिव आंसर दे रहा था वो ओझल हो गया था, गायब हो गया था, मगर उस पर भी बुरखा लग गया तो वो वापस एक्टिवेट हो गया। और हम पहले वाई पे बुरखा नहीं लगा पाएंगे, पहले बुरखा एक्स एफ एक्स पे लगेगा। लिखे भाई साहब, क्रम होता है, क्रम आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अरे यस चुप तो रहो, आगे बढ़ो। ये नया क्वेश्चन इधर बीच में, वो चेहरे से हाथ हटाओ, वो टांके लग गए उसको, है ना? कितने लगे ये नहीं पूछा मैंने। बताइए साहब सुनो, मॉड वाई मतलब ये क्वांटिटी कैसी है?
इसके सामने ये होल चीज कैसी हो जानी चाहिए? तो ये अंदर वाली क्या होनी चाहिए? तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो इसका सिर्फ कौन सा हिस्सा? यस, और इस पे भी क्या लगेगा? अपन चेक करके देख लेते हैं। बोलो साहब, वन रखा तो वन रखने पर एफ एक्स क्या देगा? माइनस चार देगा। माइनस चार पे फिर माइनस लगा चार। वाई मॉड इज इक्वल टू चार, मैं किस चीज का मॉड लूं कि चार मिले? सही है। कितने लोग सफल हैं भैया? आपने आंसर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, नए भैया के भाई पटेल, तुम तो नाम डुबा दो गुजरातियों का। और दीदी गुजराती, दीदी गुजराती कहाँ बैठी है? उनके आंसर आ रहे हैं क्या? हाथ नीचे करो। दिंकेटा पटेल कहाँ गई? अपना आंसर आया? और नाम डुबा दो तुम। और कौन है गुजराती का आंसर आया? पीछे वाले भैया गुजराती एक और कहाँ गए? आया आंसर? चार गुजराती बैठे इधर, पांच मम्मी। चलो आगे बढ़े। अरे यस मालिक, ऑब्जेक्शन आया, सुनो। बैठिए आप, सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये ऐसा हो गया था भाई, x की जगह क्या रखा था अपन ने? वन। तो इसने क्या दिया था? माइनस चार, और बाहर माइनस का मल्टीप्लाई चार, तो मॉड y बराबर चार। तो सुनो ध्यान से, फिर y बराबर क्या? प्लस माइनस चार। तो सुनिए, वन रखने पर y हमें प्लस चार भी देगा और हमें, तो सीधा तरीका है कि इमेज मार दो। मतलब ऊपर कौन सी एक्सिस है? प्लस वाई। नीचे कौन सी है? तो वही क्वांटिटी प्लस में भी मिल रही है, वही माइनस में भी मिल रही है, इसलिए ऊपर नीचे इमेज। एक्स की जगह मॉड एक्स होता तो इसकी इमेज इधर, अरे हाँ, मिटा दिया जाए। वाई बराबर एफ की गोद में मॉड एक्स क्या था? क्या था? यहां पर तीन, यहां पर माइनस तीन। ये था क्या? अब इसके वाई पे मॉड मार रहा हूं, फिर क्या होगा? ये तीन, ये माइनस तीन। भाई साहब, पिछले वाले में यहां माइनस वन पे था, अभी कब है? ऐसा बनाया है तो हाथ उठाए, ईमानदारी से हाथ उठाना, झूठे हाथ मत उठाना। तो आगे बढ़ो साहब, ये बगल में और ये बगल में बनाना। अगला, एफ की गोद में पहले अप्लाई किया क्या? मॉड एक्स। तो स्टेप्स लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअली ये क्या बनता है? तो ये तीन और ये कितना? यस। फिर अपन ने क्या किया? ठीक, और फिर इस पे मॉड मार दिया। ये बनाने वाले हाथ उठाए। अरे रे रे रे, छठवे गुजराती तेरा आंसर नहीं आया, श्रद्धेय। ये डमी गुजराती है, ये गुजराती है नहीं, मगर गुजरात रहने चला गया इसलिए गुजराती सीख गया। हाथ नीचे करो। इसको मिटा दिया जाए? अरे यस मिटा दिया।
तो सही है, पेन मत घुमा तो तरक्की हो जाए जीवन में कुछ तुम्हारी। बनाओ ना कि बना के बैठ गए तुम। हम सिर्फ माइनस एक्स बनाएंगे, हम सिर्फ माइनस एक्स बनाएंगे और वाई पे इमेज ले जाएंगे। यहां पर ये शार्प कॉर्नर बनेगा। शार्प कॉर्नर शो किया हुआ तीन पर और माइनस वन और वन से एक्स एक्सिस से जाता हुआ है। कहां तूने लिखा है कि ये माइनस तीन है? ऐसा थोड़ी होता। मान लो इनका ग्राफ ये है, यहां माइनस वन है, यहां वन है और यो जा रहा, तो इसको मतलब मैं तीन मान लूं, इसकी दूरी दोनों की बराबर है, वो तीन है तो वो तीन गुना होना चाहिए ना। एकदम सही है तो ही हाथ उठाओ। अचानक गेम बदला मैंने, क्योंकि बहुत देर से माइनस एक्स की तो बात ही नहीं हो रही थी बेचारे की, वो भी तो अहमियत रखता है जिंदगी में। मिटाइए इसको, अगला करते हैं। बात सुनो भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ मुझे नहीं आती भैया तेरी बातें समझ में, इसमें कुछ गलत है तो बता। नहीं ये सही है क्या? अच्छा ये गलत बोल रहे हो, ओके ठीक है, तो तुम्हारी बात हम सुनते हैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ एक मिनट सुनो रे यार उसकी बात, सुनो सुनो तुम धीरे धीरे बोलो कि मेरे ब्रेन में बात पहुंचे, धीरे धीरे बोलो बताओ। रुको, x को ग्रेटर देन जीरो लिया है, चेरे साथ डाओ। हाँ तो f ऑफ माइनस x हो जाएगा। हाँ तो उत्ते हिस्से का ग्राफ बना दूं? हाँ ठीक है, किसी और को ऑब्जेक्शन हो तो आओ तुम तो मैदान में। नहीं चलो करो दादा करो, बातें ना करो। गुजी बनाओ तुम गोले गोले अनसेंट काट उसको। जब मैं बोल रहा हूं कि शार्प कॉर्नर है माइनस तीन पे, तुम स्मूथ कर्व कैसे बना सकते हो? और उस पे बाकायदा लिखो शार्प कॉर्नर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अनुज गोपाल तुम सोई गए क्या? सीधे होके बैठ यार, कैसा होता जा रहा तू। मैं गिर गया था पांचवी क्लास में लगभग 11-12 फीट की ऊंचाई से, और नगर निगम वालों को रेत बिछानी चाहिए, हराम खोरों ने फर्शियां लगा रखी थी, और गर्मी के दिन और अपन गिरे यूं करके, तो इधर कटा और ये वाला दांत यहां से घुस के यहां से बाहर, और 1 तारीख से 6 तारीख कक्षा पांचवी की परीक्षा हुई थी 1 मई से 6 मई, और 1 मई को मंडे था तो 6 को सैटरडे, ऑटो वाला लेने नहीं आया, तो हम 4 दोस्त चले गए कमला पार्क। वहां पहले पानी में थोड़ी देर छपर छपर करी, फिर सामने किलोल पार्क चले गए, वहां पर गिरा, 1 दोस्त तो भग गया, और बाकी 3 या 2 शायद रास्ता मैंने बताया ऑटो वाले को, और गलियों में ढूंढते, गलियों में रहते थे
ओल्ड सिटी की गलियां और वहां तक पहुंचे और ये बच्ची को टांके लगे। अभी मैं देख कर आया, मैं खुद अचंभित, इतना बड़ा कट है इधर, एक इंच लंबा, और डॉक्टर वो डिटोल विटोल लपेर रहा वो आराम से, हाँ ना रो रही ना कुछ है। तो वो दिखा मेरे को कि हाँ जींस जींस काम कर रहे हैं, और मैंने उससे कहा कि बस अब अपनी दोस्ती तो और गहरी हो गई। मेरे अभी 11 टांके आए थे, उसके बाद 3 और आए, कब, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, उसी लोकेशन पे। कितने हो गए टोटल, 15 इसी जगह पे। और मैंने कहा अभी तेरे तो सिर्फ 5 ही आए, दोस्ती और बढ़ानी है अपन को, इसका क्या आया बताइए। कुछ नहीं, इसका ऊपर जंप कर जाएगा। तो बोलो साहब, ये 1, ये कितना, शार्प कॉर्नर बनाना जरूरी है। तो बताइए ये फंक्शन कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल, 3 जगह पे, -1, 0 और 1। अच्छा ये कर दीजिए, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अरे ये तो बहुत सरल है, ऐसा लिखा क्या, डन मालिक। चलो अब एक उल्टा काम तुमको देता हूं, उल्टा काम, ये ग्राफ कब बनेगा, इसकी इक्वेशन तुम बना, आंसर मत चिल्ला, अभी हाथ उठाएंगे तब बताना। हाँ विधान नायक खड़े हो जाओ, बोलना शुरू कर दो, क्या लिखूं, खुदा ने टांगे दिए, बैग तो फेंक यार, बैग बगल में लेके बैठा है यार, दोनों तरफ एक एक वायर, ऐसा लग रही है तकिए लगा रखे, इधर रख नीचे, हटा उसको। ओए सुनो भैया कुछ बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं माइनस ऑफ मॉड वाई, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू एफ ऑफ, भैया एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, इनके पक्ष में वोट डालने वाले हाथ उठाएं, इनके पक्ष में वोट डालने वाले हाथ उठाएं, हाथ नीचे करो। ऐसा कोई बच्चा जो कहे कि ये गलत है और उसके पास कुछ और इक्वेशन है वो हाथ उठाएं। हाँ अंकित बताओ, खड़े हो जाओ, माइनस मॉड वाया, ओके, इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये तो अपन पहले कर चुके हैं। अरे एक मिनट खड़े हो तुम, ये लिखा ही सरासर झूठ है, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, ऐसा कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अरे ये एक पॉजिटिव है, ये दूसरा पॉजिटिव, और सामने माइनस लगा, बैठ जाओ तुम। तो ये तो सरासर झूठ हो गया, इनका नाम अंकित, चलो हाँ तुम खड़े हो जाओ, महेश्वरी क्या कह रहे हो, गलत है तुम्हारा, विधान नायक का सही है, जल्दी लिखे फटाफट। अच्छा कारण भी एक्सप्लेन कर दूं, आइए कारण देखो, बच्चा देखो इधर, सुनो सुनो, बोर्ड पे देखो, आनंद झा कह रहे हैं कि समझा भी तो दो, आराम क्यों कर रहे हो, खड़े हो जाओ। भैया एक बात बताइए, y इज इक्वल टू f की गोद में इसका ग्राफ क्या था,
इसका ग्राफ क्या था? क्या ये था? क्या क्या ये था? क्या ठीक? मैं यदि y पे मॉड मार दूं तो सिर्फ प्लस y बनेगा, उसकी इमेज नीचे बनेगी, तो वो हम बना चुके हैं थोड़ी देर पहले। यदि मैं लिखूं कि मॉड y मगर काय का और सामने लिखा है f की गोद में माइनस ऑफ मॉड x, तो ये माइनस यहां से उठ के सामने जाएगा, इसलिए मैंने लिखा था। यानी कि ये क्वांटिटी कैसी है? तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? तो इसका नेगेटिव नेगेटिव कौन सा? यस, और ऊपर ऐसा, क्योंकि मॉड वाई लगा है। अपन चेक कर लेते हैं, तुम दुखी मत हो। जीरो रखा हमने, क्या रखा? तो जीरो पे मॉड जीरो, जीरो माइनस का भी हो तो जीरो पे आंसर क्या आ रहा था? माइनस तीन, उस पे माइनस मारा प्लस तीन, मॉड वाई बराबर तीन। मैं किसका मॉड लूं? डन मालिक। अब ये कब बनेगा? अरे क्या साढ़े छः दीदी, हाँ तुम इतनी जोर जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं दे। इसके लिए क्या बनेगा इक्वेशन? कॉपी में लिखो, भिन भिन आ रहे हो। इस बार आनंद झा बताना चाह रहे हैं मोड वाई बराबर। अच्छा ये बन चुका है क्या? कोई बात नहीं, बैठिए मिटा दूं इसको बच्चा। इस पे गाने भी बनते हैं गंगनम स्टाइल। तो ये क्या है? सिग्नम स्टाइल। इसको शो किया जाता है SGN लिखकर, इसको सिग्नम लिखकर शो किया जाता है। वर्मा है कि नहीं? और दूसरा वर्मा, पहला वर्मा बोले तो प्रियांशु वर्मा किधर है? हाँ इनका क्या होगा सोचो तुम। है यस नहीं, नौकरी भी क्यों करवाएगा ऐसे लोगों से? तेरी कंपनी डुबाएंगे ये लोग। झाड़ू वाड़ू लगवाना, ठीक है ठीक है। सिग्नम स्टाइल, इसका नाम क्या? ये कहता है कि यदि इसकी गोद में तुमने पॉजिटिव रख दिया तो ये क्या आंसर देगा? प्लस वन। यदि इसकी गोद में सांप जीरो है तो जीरो देगा, नेगेटिव है तो माइनस वन देगा। अरे यस, बोर्ड पे देखिएगा सांप। कुछ लोग इसे मॉड एक्स अपॉन एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए चेक करते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक्स की जगह पांच रखो, एक्स की जगह क्या रखा गुप्ता दीदी? इधर तो देखो यार, सीधे होके बैठो। एक तो एक्स की जगह क्या रखा? तो ऊपर भी क्या पांच, नीचे भी क्या पांच, से पांच कट गया, क्या हो गया? प्लस वन। एक्स की जगह माइनस पांच रखा, क्या रखा? तो माइनस पांच का मॉड नीचे कट पिटा के, तो पॉजिटिव रखने पर वन दे रहा, नेगेटिव रखने पर, तो ये क्या हुआ?
जीरो पे नॉट डिफाइन मार रहा है, इसलिए ये मॉड एक्स अपॉन एक्स नहीं है। इसे हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि जीरो पर जीरो, और जब जीरो नहीं है तो मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक जानकारी, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, तो ध्यान रखिएगा इसका फंक्शन ऐसा होता है। किसका? इसकी अलग बात चल रही है, ओके, उसकी बात अलग चल रही है। तो इसका यहां पे स्लोप कितना है, यहां पे स्लोप कितना है, और यहां पर जीरो पे नॉट डिफाइन, नुकीला है, नुकीला बोले तो नॉट डिफरेंशियबल। तो इसका आंसर लिखा जाता है क्या, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन, मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू पर प्लस वन, नेगेटिव वैल्यूज पर, और जीरो पे सचमुच नॉट डिफाइन है, और जीरो पे ये भी अनडिटरमाइन है, इसलिए शुद्ध मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स। चेहरे से माथे से गले से हाथ डाए। सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं, एस जी एन एक्स, ये जीरो पे जीरो देता है और बाकी सभी वैल्यू पर, पॉजिटिव वैल्यू पर प्लस वन देता है।